घबराइए मत करना जी, सीआईडी के होते हुए आपका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। थैंक यू सर, मगर मेरे करियर में ऐसे पहली बार मुझे किसी ने धमकी दी है, बहुत डर लग रहा है मुझे। बिल्कुल डरिए मत, डरेगा तो अब वो जिसने आपको धमकी दी है बॉम्ब से उड़ाने की। अब निश्चिंत हो जाइए, हम लोग है ना सर। आज 21 तारीख है, फिल्म की रिलीज है और साथ में मेरा जन्मदिन भी, और आज सचमुच का बॉम्ब ब्लास्ट। बिल्कुल घबराइए मत, कहा ना हम वादा करते हैं कि वो जिसने आपको धमकी दी है वो हमारे चंगुल में होगा। आप निश्चिंत होकर अपनी फिल्म की रिलीज की तैयारी कीजिए। Sure. Absolutely. Promise. है ना? और हाँ, और एक बात, आप कहीं भी अकेले मत जाइए, अपने बॉडीगार्ड्स को साथ में लेकर जाइए और निश्चिंत होकर अपनी फिल्म हीरोइन की रिलीज की तैयारी कीजिए। आपकी फिल्म के सक्सेस के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके बर्थडे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय। नहीं साहब, जितने भी लोग प्रीमियर में आए सबको यहाँ पे इकट्ठा करिए। मगर क्यों सर? करीना का वो धमकी भरा लेटर उन्हीं में से किसी ने दिया है। मगर उनमें से तो कुछ करीना जी के खास फैन बुलाए गए थे। खास फैन? जी हाँ सर, एक्चुअली मैं फिल्म हीरोइन के प्रमोशन के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया था जिसमें करीना कपूर जी के सबसे बड़े फैन को करीना कपूर जी से मिलने का पर्सनली मौका मिलने वाला था। अच्छा अच्छा, जरा हम भी देखें कौन है वो करीना जी का खास फैन। बुलाओ सबको, ये हीरोइन फिल्म का प्रमोशन करना बंद करो वरना मैं तुम्हें फिल्म के रिलीज के दिन बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये धमकी भरी चिट्ठी जिसमें करीना कपूर जी को बॉम्ब से उड़ाने की बात की गई है, आप लोगों के सामने अभी थोड़ी देर पहले किसी ने उसके हाथ में दी है। और ये चिट्ठी जिसने भी लिखी है वो बिना देर किए अपने आप सामने आ जाए। सर मैं तो करीना का बहुत बड़ा फैन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, मैं क्यों धमकी दूंगा उनको। सर हम ऐसा गलत काम क्यों करेंगे? सर मैं तो करीना जी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। सर मैं तो सुबह से बिना कुछ खाए खुशी खुशी उन्हें एक नजर देखने आ गया। सर मुझे तो लगता है कि इनमें से कोई झूठ बोल रहा है। देखिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो जो कोई भी है हम उसे ढूंढ तो लेंगे लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा अच्छी तरीके से सोच लो। जब तक वो आदमी हमें नहीं मिल जाता आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। सर सर मुझे याद आ गया, बड़ी जल्दी याद आ गया, बोल जल्दी। हाँ सर, मैंने एक स्वीपर को करीना जी के हाथ में ऐसा कागज देते हुए देखा था। स्वीपर को? हाँ सर, बहुत भीड़ थी और उसे धक्का लगा और वो पीछे हो गया और ये कागज करीना जी के हाथ में रह गया। सर एक स्वीपर करीना को धमकी भरा लेटर क्यों देगा? सर सर क्या हुआ, क्या मोहित? सर प्लीज आप जल्दी चलिए सर। क्या बात है? सर मैं कुछ बता नहीं सकता सर, आप खुद चलकर देख लीजिए सर। क्या बताओ क्यों यहाँ लेकर आए हो तुम? हाँ सर। घबराए हुए क्यों सर? माय गॉड, ये तो करीना का बॉडीगार्ड है। ये तो मर चुका है सर। बॉडीगार्ड का खून? मगर सर करीना के बॉडीगार्ड को मार के खूनी को क्या हासिल होने वाला था? फ्रेडी, ये खूनी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। करीना को ये दिखाना चाहता है वो कि वो ना सिर्फ धमकी देता है बल्कि धमकी पूरी भी करता है। इस खूनी के सर पे जुनून सवार है सर। आ गया, मगर है कौन ये खूनी? ये जो हथियार है सर, ये कांच का टुकड़ा, ये बड़ा अजीब सा है। लगता है ये कांच का टुकड़ा उसने कहीं से उठा कर लाया है, या तो कांच तोड़ के
या फिर टूटा हुआ कांच। सर, इस मल्टीप्लेक्स के हर एक गेट पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इतना बड़ा नुकीला कांच का टुकड़ा कोई बाहर से अंदर मल्टीप्लेक्स में कैसे लेके आ सकता है? वही तो, जरूर यहीं कहीं मल्टीप्लेक्स में से उठा कर लाया है वो। मगर सर कहां से? तो अभी पता चल जाएगा फ्रेडी, अभी पता चल जाएगा। मैनेजर साहब एक बात बताइए। जी सर। आपके इस मल्टीप्लेक्स में कहीं पर मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम चालू है? जी हाँ सर। कहाँ पे? मल्टीप्लेक्स के पीछे के हिस्से में रेनोवेशन का काम चालू है। वहाँ पर नए शीशे लगवाए जा रहे हैं। नए शीशे? इसका मतलब है खूनी को मालूम था कि इस मल्टीप्लेक्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है। मतलब ये काम सर किसी अंदर वाले का है, कोई मल्टीप्लेक्स का ही आदमी है। देखना पड़ेगा कहाँ पर चल रहा है ये कांच लगवाने का काम। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। और मैनेजर साहब एक काम करो। जी सर। उस स्वीपर को भी यहाँ बुला लो, वो स्वीपर जिसने करीना मैडम को चिट्ठी दी थी। जाइए जल्दी। इस जगह पे कितने मजदूर काम करते हैं? सर करीब 10 मजदूर यहाँ पर रोज आते हैं, और मल्टीप्लेक्स का काम भी जल्दी खत्म करवाना होता है। हमें उन सबसे मिलना है। सर एक्चुअली में क्या है कि रिनोवेशन का काम हम लोग रात में शुरू कराते हैं ताकि दिन में मल्टीप्लेक्स में आने वाले विजिटर्स को प्रॉब्लम ना हो, तो मजदूर सारे रात में 9 बजे ही आते हैं। ठीक है, ये रिनोवेशन का काम कहाँ चल रहा है? आप यहीं पे रुकिए। जी सर। शायद उसी कांच का टुकड़ा है जिससे उस बॉडीगार्ड का खून हुआ है। कांच का एक टुकड़ा मिला है यहाँ पे, तो ऐसे और भी कांच के टुकड़े होंगे। बोलो। टुकड़ा पहले खूनी ने कांच को तोड़ा, फिर इसमें से वो हथियार बनाया, और फिर एक कांच के टुकड़े को यहाँ डस्टबिन में फेंक के चला गया। और ऐसा करते समय किसी कांच के टुकड़े से उसका हाथ कट गया और उसके खून की कुछ बूंदे जमीन पे गिरी। ये देखिए, सूखे हुए खून का सैंपल मुझे वहां से मिला है। सिक्योरिटी से छुपाकर वो हथियार बाहर से अंदर नहीं ला सकता था, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया हथियार के लिए। और उसे मालूम था कि यहाँ पे रिन्यूएशन का काम सिर्फ रात को ही होता है, उसने सबकी नजर बचाकर यहाँ पे अपना हथियार तो बना लिया। मगर हर गुनेगार की तरह उसने भी एक गलती की। फिर एक काम करो, इस ब्लड के सैंपल को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। यस सर। आदमी को जरा गौर से देखो, क्या यही वो आदमी है जिसने करीना जी को वो धमकी वाली चिट्ठी दी थी? हाँ सर, इसी ने वो चिट्ठी करीना जी के हाथ में दी थी। पक्का? या सर, आई एम श्योर। मेरे ऑटोग्राफ लेने के बाद यही वो आदमी था जिसने करीना जी के हाथ में चिट्ठी थमाई थी। ठीक है। मैंने क्या किया साहब? क्या किया ये तो तुम्हें भी मालूम है, अब ये बताओ कि क्यों किया? मैंने मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? सच बोल, करीना जी को चिट्ठी तुमने दी थी या नहीं? कौन सी चिट्ठी साहब? मैंने तो कागज दिया था, वो भी ऑटोग्राफ के लिए दिया था साहब। ऑटोग्राफ लेने के लिए? धमकी देने के लिए नहीं। कौन सी धमकी साहब, मुझे ये भी नहीं पता है। करीना जी को बम से उड़ा देने की धमकी, कुछ याद आया? कुछ याद आया? मारना मत साहब, मारना मत साहब,
मैं भला किसी को बम से उड़ाने की धमकी क्यों दूंगा साहब? मेरी इतनी औकात नहीं है। 5,000 की पगार पे मैं अपने बीवी बच्चों को पालता हूँ साहब, मैं ऐसा काम करके उनको तकलीफ में क्यों डालूंगा साहब? वो कागज का टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? पेपर है किसके पास? पेपर किसने दिया था वो कागज का टुकड़ा तुम्हें? पता नहीं साहब। अरे उसका चेहरा तो देखा होगा ना? नहीं साहब, इतनी धक्का मुक्की में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और सच कहूँ तो मुझे ध्यान भी नहीं। अच्छा एक बार फिर से ध्यान से सोच के बताओ कि तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ याद है, या कोई चीज देखी हो, जैसे घड़ी, अंगूठी, ब्रेसलेट, कुछ भी सोच के बताओ। हाँ सर, याद आया, उसके हाथ पे यहाँ पर सर निशान था सर। कैसा निशान? वो रबर स्टैम्प का निशान था सर, और उसके ऊपर GBC लिखा हुआ था सर। GBC? ऐसे रबर स्टैम्प तो नाइट क्लब में अंदर जाते समय कस्टमर के हाथों पे लगाए जाते हैं। निशान मिटा नहीं था, इसका मतलब है एक रात पहले ही वो इस GBC क्लब में गया होगा। GBC क्लब में चल के पता करते हैं सादी के बारे में। राजू, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शराब मत पीना, तुम आज फिर पीकर टल्ली हो गए। सर, मेरी ड्यूटी तो नाइट में है, दिन में तो पी सकता हूं ना सर। चुप करो। बोलिए सर। CID, कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ सर? मल्टीप्लेक्स में खून हो गया है, करीना कपूर के बॉडीगार्ड का। खून? हाँ, और खूनी कल रात यहीं पे था, आपके GPC क्लब में। देखिए सर, डिस्को में तो हर रात ना जाने कितने लोग आते रहते हैं। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप में से किसी भी आदमी को करीना कपूर के बारे में बात करते हुए सुना क्या? मैंने सुना है। क्या सुना था तुमने? राजू तू चुप कर। एक मिनट, बोलने दो इसे। सर ये नशे में है, और जब ये नशे में होता है तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। सर, शराब के नशे में अक्सर लोग सच बोल देते हैं। बोलो क्या सुना था तुमने? सर, कल एक आदमी क्लब में आया था, वो अपने दोस्तों को फ्री में शराब बांट रहा था, और वो बोल रहा था देख, बड़े सीधे क्या बोल रहा था? सर, वो बोल रहा था कि वो करीना से बहुत प्यार करता है, और कल करीना हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। तुम जानते हो कौन था वो आदमी? नहीं जानता। बिल कैसे पे किया था उसने? क्रेडिट कार्ड से। कल का सबसे बड़ा बिल उसी का था जो मैं लेकर गया था, और उसने मुझे 500 रुपए टिप भी दिया था। अच्छा, मैनेजर साहब जरा इस बड़े बिल की डिटेल्स निकालिए। ठीक है सर। देखे तो सही कौन है ये बड़े बिल वाला और बड़े दिल वाला। कहिए सर, आप लोग? हम लोग CID से। मिस्टर हरीश को बुलाइए। जी सर। काफी पैसे वाले लगते हैं। कमाल सर, जो पागल फैंस होते हैं वो अक्सर अपने घरों में अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स के फोटो, उनके पोस्टर्स वगैरह लगवाते हैं, मगर यहाँ पे तो करीना कपूर जी की कोई भी तस्वीर नहीं है, राइट? गोपी ने बताया कि आप लोग CID से आए, क्या बात है? मिस्टर हरीश, आप करीना कपूर को जानते हैं? करीना कपूर वो जो फिल्म स्टार है? जी हाँ। उसे कौन नहीं जानता, मैंने उसकी बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। करीना कपूर को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है, उनके बॉडीगार्ड का किसी ने खून कर दिया है। इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए। What? खून, धमकी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इन हादसों से मेरा क्या लेना देना। अच्छा ये बताइए कि
जीबीसी क्लब में आपने अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी क्या? आपको करीना कपूर से मिलने का मौका मिलने वाला था, इसलिए अपने दोस्तों को मुफ्त की शराब पिलाई आपने। What nonsense! देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सोसाइटी में मेरी इज्जत है, क्या मैं ऐसी ओछी हरकत कर सकता हूँ? और वैसे भी कल शाम को मैं दिल्ली में था एक मीटिंग के लिए, आज सुबह ही मुंबई आया हूँ। आप एयरलाइंस ऑफिस में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कल आप दिल्ली में थे तो जीबीसी क्लब में आपके केबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसने किया? क्रेडिट कार्ड कल रात को? ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, मेरे केबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड तो यहां है नहीं, लगता है चोरी हो गया है। आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और आपको पता भी नहीं? मैडम, मेरे एक नहीं, एक डजन क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये देख लीजिए, मैं हर पल इन्हें चेक नहीं करता। क्या सारू के साथ? हाँ, ओके, ठीक है, हम लोग आते हैं सर। मिस्टर हरीश, फिलहाल तो अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जिसने आपका क्रेडिट कार्ड यूज किया है वो जरूर इस खून से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपको पता चल जाए कि आपका क्रेडिट कार्ड किसने चुराया है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तारिका, ये ब्लड चेक करो जरा। सर। जी डॉक्टर साहब, क्या पता चला? भैया दो बातें पता चली। अरे पहली तो बताओ डॉक्टर साहब, शुरुआत तो करो। हाँ, पहली बात ये है कि ये आदमी सिर्फ ये कांच घोपने की वजह से नहीं मारा गया। अच्छा, तो फिर? इस आदमी को पहले बेहोश किया गया है, उसके बाद ये कांच घोपा गया है। और इसे बेहोश कैसे किया गया? इसे खाने में कोई नशीली चीज खिलाई गई जिसकी वजह से तुरंत बेहोश हो गया। मगर ये नशीली चीज कब और कहां मिलाई गई होगी सर? मल्टीप्लेक्स में इसने कुछ खाया पिया होगा। वो नशीली चीज कौन सी है पता चला आपको? अभी कुछ टेस्ट करने बाकी हैं, जल्दी पता चल जाएगा। और सर वो रेनोवेशन वाले एरिया से जो खून मिला था, वो खून किसका था? शायद खूनी का। खूनी का? हाँ, क्योंकि वो खून इस आदमी का तो है नहीं। और एक बात, उस खून से हमें फैबसी नाम का ड्रग मिला। फैबसी? ये ड्रग बहुत महंगा होता है और आसानी से नहीं मिलता है। फैबसी ड्रग्स? सचिन, जरा अपने खबरियों को इन्फॉर्म कर दो, पता करो ये फैबसी ड्रग्स कौन कौन बेचता है, तब तक हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाके पता करते हैं करीना के बॉडीगार्ड को नाश्ता किसने खिलाया था। इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ, खड़े हो। ये फोटो देखो तुम लोग, करीना के बॉडीगार्ड को किसने नाश्ता दिया था उस दिन? सुना नहीं क्या पूछा? इस बॉडीगार्ड को नाश्ता किसने दिया था? जल्दी बोलो वरना सब के सब जेल में सड़ोगे, समझे? नहीं साहब, मुझे जेल नहीं जाना साहब। साहब नाश्ता ये गगन ने दिया था साहब। ए, सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों सर या बोल। हाँ सर, मैंने उस आदमी को खाना दिया था, मगर खाना देने के बाद मैं वहां से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ सर, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। तुमने उसके नाश्ते में नशीली दवाई मिलाई जिससे वो बेहोश हो गया, और फिर तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है सर, मैंने उसका खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। नौटंकी बनकर सच्चाई क्या है वो बता। सर सच्चाई तो यह है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेरे वहां होने का फायदा उठा रहा है सर कोई। कौन है जो तुम्हारे वहां होने का फायदा उठा रहा है? मैं नाश्ता लेकर बॉडीगार्ड को देने जा ही रहा था कि एक आदमी ने मुझे बुलाया, कहा कि ऑर्डर देना है, तो सर मैं समोसे कट रहे वहीं काउंटर पर रख के चला गया। लंबा चौड़ा ऑर्डर था सर, तो लिखने में टाइम लग गया, तो शायद कोई और वहां पे आया और उसने नशीली दवाई मिला दी। क्यों हो सकता है सर? जिसने तुम्हें बुलाया था
कौन था वो आदमी? मैं उसे नहीं जानता, नाम भी नहीं पता उसका। फिर से देखोगे तो पहचान लोगे तुम उसे? हाँ सर, मैं पहचान लूंगा। ठीक है, जब तक हम उस आदमी को नहीं ढूंढ लेते तुम ये मल्टीप्लेक्स छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुमको पूरा यकीन है कि वो फैप्सी बेचने वाला ड्रग डीलर यहीं पे है? सर, फैप्सी बेचने वाले तो डीलर और भी हैं, मतलब कुछ ही लोग हैं, लेकिन उस रैकेट को ये जानता है और उनके साथ काम भी करता है। सर बैठा कहाँ ये? सर वहाँ एक सीढ़ी है, वहाँ रोज बैठता, उसका अड्डा है वहाँ पे सर। ठीक है ठीक है, सामने है। यही पे सर वो आदमी बैठा हुआ है, वही सामने वाला, यही है वो। सर हम लोग उस फैप्सी बेचने वाले के पास पहुंच गए। गुड, एक काम करो, उसके रैकेट में जितने लोग हैं सबकी जानकारी निकालो, पूरे रैकेट को पकड़ना है। सर। हाँ बोल। ब्रदर, साहब को माल चाहिए। हमको फैप्सी मिलेगा? क्या बोला? हम बोला हमको फैप्सी मिलेगा। जानता है फैप्सी का रेट क्या है? जानता है फैप्सी बहुत महंगा है, मगर हमको महंगा ड्रग्स लेने का आदत है। क्यों? ए तुम देखते क्या हो? दाम बोलो दाम, पैसा जो तुम बोलो, मगर ड्रग हमको फैप्सी चाहिए। अरे सवाल सिर्फ दाम का नहीं है, माल भी अपने पास होना चाहिए ना। चलो निकले यहाँ से। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर हमको फैप्सी नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएगा। बार बार उसका नाम ना लेने का, आस पास लोग सुन लेगा तो लपड़ा खड़ा हो जाएगा। चलो निकले यहाँ से। अरे हमारा फैप्सी। अरे सर यही एक आदमी था जो फैप्सी दिलवा सकता है। अब क्या कर? सुनो फैप्सी ड्रग्स मिल जाएगा। फैप्सी मिल जाएगा? तुम हमको पहले क्यों नहीं बताया? आसपास लोग था ना इसलिए, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम बोलो कहाँ पर चल है? दूसरे अड्डे पर, फैप्सी वहीं मिलेगा। अब तो चलो। पहले पैसा। पैसा? लाड़प माने, लाड़प माने। अभी चले? चलो चलो। सर ये आदमी हमें अपने दूसरे अड्डे पे लेके जा रहा है। ठीक है, उसके साथ निकलो, मगर संभाल के और इन्फॉर्म करते रहना। ओके ओके सर। चलो आओ। और कितना दूर? द प्लेस वेयर दे सप्लाई, यू नो। कैसा है? बस कर, आने दे, अपना आदमी है। बस एक मोटी पार्टी लेके आया हूँ, पैसे चाहिए। मिलेगा, एक बार अपुन से ड्रग्स लेगा तो बार बार इधर ही चाहेगा। माल असली निकला तो बड़ा ऑर्डर एडवांस के साथ, अभी का अभी। माल दिखा रहे? हम दौर को फैब्रिक के बिना नहीं चलेगा, हमको मांगता है, हमको डाला वो डाला। दुनिया का हर ड्रग्स अपुन के पास मिलता है बॉस, वो भी ओरिजिनल। और तुम्हारा ये ओरिजिनल माल देख के
हमको गर्मी लगता है, हॉट हॉट। कौन हो तुम लोग? CID? भाग के जाएगा कहाँ? बहुत भाग रहे हैं, भागना है, जा भाग 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 भाग। सब 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 गलती हो गई, सब 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 अपन को गोली मत मारना, सब सब जाने दो अपन को, सब सब जाने दे तुम्हें। हाँ सब, गुनहगारों को छोड़ने के पैसे नहीं मिलते हमें। तेरे खास खास क्लाइंट कौन है, नाम बता। खास खास क्लाइंट? पिछले चार दिन में किस किस ने तुझसे ड्रग्स खरीदे हैं, उनके नाम और नंबर हमें दे। माल देता और पैसा देता है साहब, नाम नंबर कौन देता है साहब? अच्छा, तो फिर ये माल कैसे बेचते हो तुम लोग? जिनको माल चाहिए होता है साहब, लॉज में आते हैं। सोबुशु। ये सोबुशु क्या है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सर आज तो बुधवार है, मतलब लॉन्च में आज क्लाइंट माल खरीदने आएंगे। अच्छा, क्या छोड़ दिया, जा जा माल बेच जा। सलाम साहब। भाग जा भाग जा, तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। इनके साथ जा, माल मिल जाएगा। CID। अच्छा अच्छा, तो आप हैं है? ओहो, तो मिस्टर, अरे आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया था, क्या नाम है आपका? वरुण। वरुण वरुण जी, करीना का ऑटोग्राफ लेने गए थे ना तुम? कौन करीना सर? कौन करीना? ऑटोग्राफ लेने के लिए हीरोइन के प्रीमियर में सबसे आगे खड़ा हुआ था, पूछ रहा है कौन करीना? उस भीड़ में खड़ा था या नहीं? हाँ सर, खड़ा था सर। सर लेकिन ऑटोग्राफ लेना कोई गुनाह तो नहीं है सर? ऑटोग्राफ लेना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी का खून करना गुनाह है। खून? सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। वो धमकी भरी चिट्ठी तूने करीना को क्यों दी? बम छोड़ाने वाला था करीना को, हा?
नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो फिर चिट्ठी क्यों दी थी तूने? मैंने कोई चिट्ठी नहीं दी। सर सच बोल, सच बोल सर, सच कह रहा हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, सर प्लीज सर, सर जाने दे, कुछ नहीं किया सर, जाने दे। फॉरेंसिक लेके जाओ इसको, वहीं पे पता चलेगा। सर चल, रखता हूँ, इधर आ, इधर आ। गलती हुई सर, माफ कर दीजिए। ड्रग्स का चस्का है तुम लोगों को, हैं? तुम लोग अपने घर का नंबर दो, माँ बाप को ब्यूरो में बुलाओ, पता चलना चाहिए कि क्या क्या करते हो तुम लोग। ले चलो सबको। एरिया में जो खून मिला था वो खून इसका नहीं है। इसका नहीं? देखो सर, सर मैं कब से कह रहा हूं मैं बेगुनाह हूं सर। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी फैब्रिसी ड्रग लेता है। सच क्या है चुपचाप बता दो। सर मैं सच कह रहा हूं सर, प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो ये है कि वो फूड कोर्ट वाला गगन जब बॉडीगार्ड को नाश्ता देने जा रहा था तुमने बीच रास्ते में उसे बुला लिया, उसने नाश्ता काउंटर पर रखा और तुमसे मिलने आ गया, इसी बीच तुम्हारे किसी दूसरे साथी ने उसमें नशीली दवाई मिला दी। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तुमने क्या किया है और क्या नहीं वो तो हम पता लगा ही लेंगे, चलो हमारे साथ। गगन। यस सर। इस आदमी को देखो, जब तुम करीना जी के बॉडीगार्ड को नाश्ता देने जा रहे थे तो इसने बुलाया था तुम्हें अपने पास। तुम्हारे चेहरे पे दाग है क्या जो छुपा रहे हो, मुंह दिखाओ। हाँ सर यही था वो, इसने मुझे बुलाया था। क्यों बुलाया था इसने? जी कोल्ड ड्रिंक्स और खाने का ऑर्डर इसने दिया था। अभी ये मत कहना कि गगन झूठ बोल रहा है, बोलो बुलाया था या नहीं। हाँ हाँ सर। ऑर्डर देने के लिए तुमने गगन को बुलाया, तुम क्यों नहीं गए काउंटर पे? सर वो मैं स्मोकिंग जोन में था सर और मेरे हाथ में सिगरेट थी। मल्टीप्लेक्स के स्टाफ को खिलाने के लिए इतना बड़ा ऑर्डर दिया था तुमने? सर वो मैंने अपने फ्रेंड के लिए दिया था सर। अपने फ्रेंड के लिए तुमने ऑर्डर दिया, क्यों वो गूंगा है क्या? सर वो बाथरूम गया था और उसने बोला फिल्म शुरू होने वाली है तू गगन को जाके ऑर्डर दे दे, तो मैंने दे दिया सर। ओ तो इनका दोस्त भी गगन को जानता है। अभिजीत एक कहानियों पे कहानियां बना रहा है, इसे लॉकअप में डाल देते हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा दोस्त इसी मल्टीप्लेक्स में काम करता है, आप चाहे इससे पूछ लीजिए सर। कहाँ है तुम्हारा दोस्त, चलो दिखा। सर मेरा दोस्त टिकट चेकर है, वैसे वो बहुत बहुत अमीर है पर उसको भी मेरी तरह ड्रग्स की आदत लगी थी तो उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया। नाम क्या है उसका? सर मोहित, मोहित है उसका। ये टिकट चेकर मोहित कहाँ पे? सर मोहित, सर ये रहा मोहित सर, सामने तो है मोहित। मोहित चलो, खूने का तो पता चल गया, आप पकड़ना भी पड़ेगा।
रीना का सर फिर आशिक। हाँ चल तेरी बारात आज धूमधाम से निकालता। मैं तो बस उससे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। जिससे प्यार करते हो उसे मारने निकले तुम? कैसा प्यार है ये? क्योंकि वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही थी, इसलिए मैंने उसे मारने की धमकी दी। फिर मैंने प्लान बनाया। जहां रेनोवेशन का काम चल रहा था वहां से मैंने वो कांच का टुकड़ा लिया। यस मैडम, ओके मैडम। अरे वीरू यार, तेरा खाना खत्म नहीं हुआ अभी तक। अरे तुम लोग जाओ ना यार, मैं आता हूँ। तुम लोग जाओ। के बॉडीगार्ड ने जो नाश्ता खाया उसमें मैंने ही नशीली दवा मिलाई थी। बेहोश होने के बाद मैंने उसका खून कर दिया। करीना तो तुम्हें जानती तक नहीं है, तो फिर ये तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुमसे शादी करेगी? सर पहले नहीं जानती थी, अब तो जानती है ना। पर क्या फायदा, तुम तो जेल जाओगे खून और चोरी के इल्जाम में। चोरी? हरीश का क्रेडिट कार्ड नहीं चुराया तुमने? सर पापा का क्रेडिट कार्ड यूज करना कोई चोरी नहीं है। क्या, बाप का क्रेडिट कार्ड? मतलब हरीश तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, मैं करीना से प्यार करता हूँ, ये बात कोई नहीं जानता। मुझे पता था करीना यहाँ आने वाली है और सिर्फ मेरी होने वाली, इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया। तुम्हारे दोस्त वरुण ने पूछा नहीं तुम्हें कि तुम मल्टीप्लेक्स में क्यों जॉब कर रहे हो? पूछा, लेकिन मैंने उसे सब कुछ झूठ बोल दी। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा के साथ मेरा झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मजबूरी में मैंने टिकट चेकर का जॉब ज्वाइन कर लिया। मैं तो सिर्फ करीना को पाना चाहता हूं सर। करीना, थैंक यू सर, आपने वादे के मुताबिक हीरोइन की रिलीज के दिन गुनेगार को पकड़ लिया। अब मैं अपनी फिल्म की रिलीज पूरी तरह एंजॉय कर सकती हूँ। करीना जी, गुनेगारों को पकड़ना हमारा फर्ज है। आपकी फिल्म हीरोइन के लिए हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। करीना, करीना रुको प्लीज, करीना। मोहित, किसी का दीवाना होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दीवानगी में हैवान बनना ये गलत है। तुमने करीना को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी, उसके बॉडीगार्ड का खून कर दिया, क्या मिला? तुम्हें तो शायद अब फांसी ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.